भाई नहीं भाई नहीं, गलत जगह पर छोड़ा है, बहुत गलत जगह पर छोड़ा है। मेकर्स ने वही किया जो उन्हें करना था भाई, पूरे सीजन में इन्होंने वॉर के लिए तड़पाया और वहीं जाके इन्होंने फिर से छोड़ दिया है। खैर जो जो लीक्स में आया था एज इट इज ही देखने को मिला है, तो सरप्राइजेस कुछ नहीं थे एपिसोड 8 में, लेकिन शिकायत अबावा साला ये सारी चीज़ें एपिसोड 7 में खत्म हो सकती थी ईजली, और एपिसोड 8 में कम से कम एक झलक वॉर की तो दिखाई सकते थे ये लोग। बहुत बहुत स्टोरी प्लॉटिंग कर गई है, लेकिन बाबा टू बी ऑनेस्ट पूरा सीजन एक तरफ, डेमन एंड रनीरा का रियूनियन एक तरफ, भाई क्या सॉलिड वाइब देकर गया है कसम से। आई डोंट नो मैं क्यों खुश हो रहा हूँ और क्यों खुश हो रहा था, लेकिन मेकर्स ने उस सीन को इतना जानदार बनाया है कि भाई दिल से खुशी निकल रही थी ऑटोमेटिकली, ये वाइब बह रही थी वहाँ पर। दूसरी तरफ बाबा डेमन ने वापसी कर ली है, पूरे सीजन में जो चूतिया गाट है ना इस बंदे का मेकर्स ने, भाई लास्ट में क्या सॉलिड कमबैक दिया है। अब लगा कि साला ये डेमन हाउस ऑफ द ड्रैगन हम देख रहे हैं, भाई मजा ही आ गया। बाय गॉड डेमन से एक अलग मोहब्बत है, दिल लूट लिया मेकर्स ने एट द एंड। एंड एमंड भाई एमंड, व्हाट अ एटीट्यूड, फुल वॉरियर सागा एटीट्यूड, जिसे हर हाल में अब किंग्स लैंडिंग को बचाना है, इसके लिए कुछ भी करना पड़े चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। बाय गॉड इसने गांड फाड़ के रखी है, खुद उसकी माँ एलिसेंट डर चुकी है इससे, अब भाई खुद हेलिना भी इसके साथ नहीं आना चाहती है। भाई एमंड का वो गोर गर्ज, वो बंदा जो भी कर रहा था फील हो रहा था, मतलब मेकर्स ने फील कराया है कि वो किस क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहा है, जिसको मॉरली और इमोशनली कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है भाई, कोई उसे गाइड करने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, बस उसके पास आर्मी है, वेगार है और जंग के हिसाब से जो उसे एक्ट करना है बस वही है उसके पास, एंड नथिंग ऑल। दूसरी तरफ बास्टर्ड्स धमाका कर रहे हैं बाबा, जिसमें अल्फ द वाइट फुल साइको चूतिया कैरेक्टर दिखा रखा है। दूसरी तरफ एडम और ह्यू लुक्स फैंटास्टिक, भाई दे नो द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ड्रैगन राइडर एंड दे नो द वैल्यू ऑफ ड्रैगन, लेकिन बाबा एडम ही इज द क्वीन ऑफ गाय यार, स्वीट एंड नाइस बंदा है ये क्वीन का, आगे कुछ अलग धमाका देखने को मिल सकता है। उधर लॉर्ड लैरिस किंग एगन को लेकर एसोस निकल चुके हैं कुछ टाइम के लिए छुप के रहने के लिए, लेकिन एलिसेंट हाई टावर ये कतई दोगली है बाबा, सिर्फ इस एक बंदी की वजह से टारगारियन सिविल वॉर हुआ, पावर फेम रिचनेस इन सारे चक्कर के लिए, और ये अब उसके बाद नहीं है तो ये फिर से दल बदल रही है, इन सब के चक्कर से इन्होंने अपने बच्चों को इस दलदल में घुसेड़ा एंड नाउ साला ये उन्हें ही धोखा देकर भाग रही है। कसम से रनीरा थोड़ा पीस मेकर्स है, वरना मैं चाह रहा था कि जैसे ही इनकी मीटिंग हुई थी ना भाई इसकी गर्दन काटनी चाहिए थी, इस सीजन को अगर इस तरीके से ख़त्म करते तो भाई अलग लेवल का मजा आता। खैर इसने घुटने टेक दिए हैं, हेलिना ने साफ साफ मना कर दिया है एमंड को कि वो जंग में हिस्सा नहीं लेगी, ड्रीम फायर को नहीं चलाएगी, और हेलिना भाई साहब ये कैरेक्टर्स कुछ अलग धमाका कर सकता है सीजन 3 में, डार्क मैजिक वाला कनेक्शन देखने को मिल रहा है, तो देखते हैं कुछ अलग हिसाब किताब सेट हो रहा है। फिलहाल वेगार अकेला है, लेकिन कुछ समय तक, क्योंकि उसका भाई डेरन हाई टावर सेना के साथ आरेला है, अब कहाँ आरेला है वो तो सभी को पता ही होगा, अपने ड्रैगन टेसेरियन को लेकर भाई इसकी बड़ी तारीफें सुनिए, इसके लिए एक्साइटेड हूँ कि ये एमंड के साथ देगा या नहीं देगा, और देगा तो ये दोनों भाई कैसे माँ खो देंगे सबकी, अलग लेवल का इनका गोर देखने को मिलेगा। बाकी वॉर सिचुएट हो चुकी है, टाइलेन लैनिस्टर अपने साथ ट्रायार की आर्मी यानी ट्रायार की सिप्स जो नेवी आर्मी है वो लेकर आ रहे हैं, उधर लैनिस्टर्स अपनी आर्मी लेकर निकल चुके हैं, स्टार्क्स बाबा स्टार्क्स ये अलग पागलपन है, इनको देख के ना ऐसा लगता है यार अपनों के साथ मिल रहे हैं हम, ये भी अपनी आर्मी लेकर निकल चुके हैं, बास्टर्ड्स आर्मर पहन के तैयार हो चुके हैं, रनीरा भी तैयार हो चुकी है, डेमन भी रेडी हो चुका है, एवरी फकिंग सिंगल पर्सन हु पार्टिसिपेट इन दिस वॉर इज रेडी नाउ, बस आमने सामने आने की देरी है और खून का नंगा नाच आंखों के सामने होगा, सीजन 3 भाई कसम से वेट नहीं हो रहा है इसके लिए, और 1.5 साल 2 साल जाने कितना ही हमें इसके लिए वेट करना पड़ेगा, मेकर्स कितना तड़ पाएंगे भाई, ये वॉर देखने को मांगता है बाबा। बाबा अब उनका बस चले तो इमीडिएट सीजन 3 चाहिए। एट लास्ट नाउ टॉक अबाउट द की पार्ट ऑफ दिस एपिसोड, बाबा विंटर इज कमिंग, और ये सब डेमन ने देख लिया है गॉड सूट पर हाथ रखकर, वो सब कुछ जो गेम ऑफ थ्रोन्स में हुआ था, लेकिन व्हाइट वॉकर का जो लीडर है वो कुछ नया देखने को मिला है, जो एक क्वेश्चन दिमाग में डालता है कि क्या साला व्हाइट वॉकर इस सीरीज में भी आ सकते हैं क्या, मतलब मे बी व्हाइट वॉकर का पंगा देखने को मिल सकता है आगे जाकर आने वाले सीजन में। एट द एंड मेकर्स कुछ भी कर सकते हैं भाई, बुक में जो हो लेकिन मेकर्स कुछ भी कर सकते हैं। सीजन 3 कीप्स लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस, भाई कौन कौन वेट कर रहा है इस जालिम सीजन के लिए, कमेंट बॉक्स ओपन है, नीचे जरूर बता के जाना, आपने भी पूरे सीजन को देख लिया है, इस एपिसोड को देख लिया है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपका क्या ओपिनियन है, जो भी है भाई नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर बता के जाना, अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करके जाना। बाकी यहां तक पहुंच गए हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फुल रिकैप करने वाले हैं भाई साहब सीजन 2 का पूरा फुल
फुल रिव्यू लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। देन उसके बाद एगोन दी कॉन्क्यूरर, इसके बारे में बातें करनी है बाबा, क्योंकि हु नोज आगे का कनेक्शन वही हो सकता है, तो इसके बारे में बात करनी है। सो चैनल से जुड़े रहना, अपना बेल आइकॉन को दबाए रखना, क्योंकि एगोन द कॉन्क्यूरर की कॉन्क्वेस्ट के बारे में बात करना, ये दिल से मोहब्बत निकल रही है। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो मज़ा ही आया होगा। एट द एंड मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।